उत्तराखंड से जो खबर आ रही है, शुरुआती जानकारी के मुताबिक चमोली के पास ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हुआ है, भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। ग्लेशियर की बर्फ धौली गंगा नदी में बह रही है, कुछ मजदूरों के बह जाने की भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही बताया गया है कि जिस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। प्रशासन अपने काम पर में लगा हुआ है। आसपास के इलाकों में जानमाल के भारी नुकसान का डर है। राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने वहां दौरा भी किया है। रेस्क्यू टीम को मौके पर भेज दिया गया है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान की खबर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अलकनंदा नदी के किनारे रहने वालों को फौरन सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर भागीरथी नदी का पानी रोक दिया गया है। श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम को खाली करा लिया गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि यह ग्लेशियर कैसे टूटता है, ये ग्लेशियर कैसे ऐसे टूटता है कि इतनी तबाही मच जाती है। तो ग्लेशियर सालों साल तक भारी मात्रा में बर्फ के एक जगह जमा होने से बनता है। ये दो तरह के होते हैं, एक अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट्स। पहाड़ों के ग्लेशियर अल्पाइन कैटेगरी में आते हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने की कई वजहें हो सकती है, एक तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की वजह से और दूसरा ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन बढ़ने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघलने से भी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। जब ग्लेशियर से बर्फ का कोई टुकड़ा अलग होता है तो उसे कॉल्विंग कहते हैं। और सवाल यह है कि कैसे आती है ग्लेशियर बाढ़। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में भी यह बाढ़ की घटनाएं ग्लेशियर बाढ़ है, तो यह कैसे आती है। तो ग्लेशियर के फटने या टूटने से आने वाली बाढ़ का नतीजा बहुत भयानक होता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब ग्लेशियर के भीतर ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है, यानी वो पानी नहीं रिसता है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है और जब वह ग्लेशियर के बीच से बहता है तो बर्फ पिघलने का रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। अमूमन बर्फ धीरे धीरे पिघलता है, लेकिन जब उसके बीच से पानी बहता है तो वो रेट जो है वो बढ़ जाता है, तेजी से पिघलने लगता है। इससे उसका रास्ता बड़ा हो जाता है, साथ ही बर्फ भी पिघलकर बहने लगती है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक इसे आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। यह आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में आती है, जैसे कि अभी उत्तराखंड में हुआ। कुछ ग्लेशियर हर साल टूटते हैं, कुछ दो या तीन साल के अंतर पर टूटते हैं। कुछ कब टूटेंगे इसका अंदाजा लगा पाना लगभग नामुमकिन होता है और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति रही हो कि यह कब टूटेगा इसका अंदाजा नहीं लग पाया हो और जिसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद पानी के तेज बहाव के मद्देनजर कीर्तिनगर, देवप्रयाग, मुनि की रैली इलाकों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऋषिकेश और उत्तराखंड को भी अलर्ट पर रखा गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 से 3 पुल के बहने की खबर है। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कैजुअलिटी यानी जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हो सकती है, हो सकता है कि जानमाल के नुकसान ज्यादा हो, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी सिर्फ अलर्ट पर लोगों को रखा गया है और प्रशासन को भी यह कहा गया है कि आप लोग राहत और बचाव कार्य में अपनी पूरी ताकत को झोंक दें।